कश्मीर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जीरो टॉलरेंस पॉलिसी जारी है। एक तरफ जहां आतंकियों का काम तमाम हो रहा है, तो वहीं अलगाववादी नेताओं की हवा भी टाइट हो चुकी है। कश्मीर की आवाम पर इमोशनल अत्याचार कर रहे इन नेताओं पर एनआईए ने अपना शिकंजा कस दिया है। ये नेता इधर उधर भागते नजर आ रहे हैं। इनकी बेचैनी साफ है, ये अपने बचाव के लिए बेहतर से बेहतर वकील की तलाश में हैं। हुर्रियत नेता ऐसे वकीलों के संपर्क में आने की कोशिश कर रहे हैं जो कश्मीरी अलगाववादियों के पक्षकार हैं। खबर है कि संसद हमले में बरी हुए गिलानी को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है। हुर्रियत नेताओं की ये बेचैनी साफ बयां कर रही है कि टेरर फंडिंग मामले में उन्हें अपने खिलाफ मामला अब मजबूत नजर आने लगा है। एनआईए ने सैयद अली शाह गिलानी और उसके परिवार की कम से कम 14 संपत्तियों का पता लगाया है, जिनकी कीमत 100 से 150 करोड़ के बीच आंकी जा रही है। जिस तरह से इन अलगाववादी नेताओं की संपत्तियों का एक के बाद एक खुलासा हो रहा है, उसके बाद कश्मीर की आवाम कम से कम इतना तो समझ ही गई है कि इमोशनल ब्लैकमेल कर उन्हें सड़क पर प्रदर्शन करने के लिए मजबूर करने वाले ये नेता खुद तो अपना माल बनाने में जुटे हैं।